हाले से बताएं कि अभी कितनी ईदी देकर आए हैं और कितनी बांट के आए हैं और कितनी बांटनी है ईदी। यार एक टाइम था जब ईदी के लिए इंतजार करते थे कि ईदी मिलनी है, अब तो अब आजकल की ईदी पता तो क्या है होंगे ना कि जाहिर सी बात है ईदी देनी है ये। आजकल की ईदी है आईफोन एक्स। ईदी का स्टाइल चेंज हो गया, ईदी का स्टाइल चेंज हो गया, इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो आपने क्या ईदी दी है बेगम को, बच्चों को? जब तक मैं घर में सबसे छोटा था तो बड़ी ईदियां मिलती थी, फिर जब माशाल्लाह बड़े बहन भाइयों की शादियां हुई हैं तो देखें दादाजी के 12 बच्चे थे, उसके बाद 12 बच्चों में फैशन था कि 8-8, 9-9 आगे उनके तो उनके 8-8 फिर जब उनके आगे से हुए तो फैशन जो है ना वो 4-6 पे की कहानी। अब मेरे जो माशाल्लाह 7 बड़े बहन भाई हैं तो 4-6 की एवरेज लगा लें तो काफी 40 लोगों को देनी पड़ती है। इतने सारे माशाल्लाह फैमिली के मेंबर्स होते होंगे 40 लोगों को। मैं ईदी पे आ रहा हूँ ना, हाँ। कि पहले मैं 7 लोगों से लेता था, अब 40 लोगों को देनी पड़ती है इन रिटर्न। अच्छा लिटरली बच्चे अब ये नहीं कहते आके, बिकॉज मेरे 3 भाई हैं और उनके मेरे 2 भाई हैं तो उनके भी बच्चे हैं सारे, वो अब वो पैसों वाली गेम नहीं रही, अब है आईपैड डिमांड होती है, डिमांड है आईपैड है, पे आपने ईदी देनी है उसके बजाय ये दे दे, PS4 चाहिए अब ये चाहिए। सो और बच्चे प्रीएम्प्ट भी बड़ा करते हैं ईद से पहले, इस तरह का कोई मौका अपनी बर्थडे आ रही है उससे पहले इस दफा आप मुझे बर्थडे पे क्या दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप जो गाने गा रहे हैं, आपके हर गाने में एक स्टोरी होती है, तो अभी ये जो रिसेंटली ये गाना आपका आया है बड़ी आंख, वैसे स्टोरी स्टोरी होती है, कहानी कोई नहीं होती। नहीं मतलब एक पीछे उसके कोई एक पीछे एक स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो गाना लिखा होता है आपने। अच्छा, वो क्या होती है? ये तो अब आपने ऐसे नहीं आपके सारे गानों में कोई ना कोई स्टोरी होती है और उसके बाद आपने लिखा वो। मैं जब गाना लिखता हूँ तो स्टोरी बन जाती है, उससे पहले नहीं होता। इस गाने को आपने क्या सोच के लिखा? एडी सोनी कुड़ी हो तो मोटी मोटी आंख इथिरक। सही बात पूछे तो मुझे मोटी आंख बिल्कुल इंप्रेस नहीं करती। ओके सो इट्स अ प्योरली शायरी।